हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर का करंट अफेयर। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कल की क्लास का हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। आपको बता दें कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 11 अक्टूबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो DRDO के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में। किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खां का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहां के थे? पाकिस्तान के। आपको बता दें कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। किस राज्य सरकार ने नौकरी ना करने वाली माताओं के कल्याण के लिए आमा योजना की घोषणा की? तो ये की गई है हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा। इस योजना के तहत माताओं को 20,000 रुपए दिए जाएंगे जिससे वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। हाल ही में किस राज्य की लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिल गया है? तमिलनाडु। आगे डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य से देश की नई हेली नीति की घोषणा की है? तो ये की गई है उत्तराखंड से। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में रिवर रेचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? राजस्थान की ये रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्न उत्सव योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस योजना का मतलब क्या है? तो इसके तहत गरीबों को फ्री राशन दिया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 कब शुरू हुई है? तो ये अप्रैल 2021 में शुरू हुई है। इसके तहत दीपावली तक फ्री में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? गाय के गोबर से मूर्तियां बनाना और दिए बनाना। गौ संरक्षण जागरूकता अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया। अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। ये मैप में आप उत्तराखंड को देख सकते हैं। चलिए इंडिया के मैप में देखते हैं उत्तराखंड की स्थिति। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल और चीन से लगती है। अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नालंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चिपकू आंदोलन उत्तराखंड में 1970 में शुरू हुआ था। हाल ही में किनका निधन हुआ है जो इससे संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा का। चलिए आगे देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा नदी, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौली गंगा, राम गंगा। छोलियो उत्तराखंड के कुमायूं आंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रमुख झील कौन कौन सी है? नैनीताल, भीमताल, झिलमिलताल और गिरीताल। आप याद कैसे रख सकते हैं? अगर मान लो आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की झीलें हैं ना, उनके पीछे ताल लगा होता है, तो आप ताल से याद रख सकते हैं।
बुग्याल क्या है? तो ये घास के मैदान है जो कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। प्रमुख दर्रे लिपुलेख और माना दर्रा है। प्रमुख जनजाति भोटिया, जौनसारी, राजी और थारू जनजाति। थारू जनजाति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। चारधाम हाईवे परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? दिसंबर 2016 में। उत्तराखंड के चार पावन नगर कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वंदना कटारिया को। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया उत्तराखंड के लिए। भारत के किस राज्य के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आप याद रखिएगा, ये भारत का सबसे ऊंचा है, कहाँ उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। नारायण कोटी मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोदले परियोजना में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। अभिनव बिंद्रा कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो ये किसने लिया है? ये लिया है राजस्थान ने। अब हुआ क्या है तो इसे वापस ले लिया है? राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। अब ऐसा क्या था इस बिल में? तो इस बिल में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को अनिवार्य कर दिया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये है इंडिया के मैप में राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और किससे लगती है? पंजाब से लगती है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है, मिश्र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान कहां शुरू हुआ हाल ही में? तो ये राजस्थान में हुआ। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए अभियान चलाया गया? राजस्थान में। देश का सबसे नवीनतम व 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? दो, सावर झील और केवला देव राष्ट्रीय पार्क। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर को। हाल ही में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जयपुर में। किस योजना के तहत लगाया गया इसको? तो कुसुम योजना के तहत। कब शुरू हुई थी? फरवरी 2019 में। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो बांस के पौधे लगाना कहाँ पर? राजस्थान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान में BSF द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इसको चलाया गया। कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये है भारतीय नौसेना से। इसका दूसरा चरण 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक शुरू हो गया है, और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। किन देशों के बीच होती है? तो ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होती है। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं और क्वाड की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास। जिमैक्स हाल ही में संपन्न हुई है भारत और जापान के बीच। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच होता है। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में हाल ही में अजय वॉरियर अभ्यास हुआ है? तो ये UK के साथ हुआ है। नोमाडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच होता है, हैंड टू हैंड भारत चीन के साथ। काजिन 21 भारत और कजाकिस्तान के बीच। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, वज्र भारत अमेरिका, एलिफेंट भारत मंगोलिया, एक्वेरियन भारत मालदीव, एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस, सूर्य किरण भारत नेपाल, संपीर्ति भारत बांग्लादेश और खंजर भारत किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि आखिरी कार्यक्रम है क्या। दिल्ली
कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिक द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? मार्गदर्शन से संबंधित है। इस कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है दिल्ली सरकार ने? तो ये बनाया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को। देश के मेंटर कार्यक्रम का कार्य क्या है? तो छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट समय निकालेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है। अब डिस्कस करते हैं हाल ही में न्यूज में रही दिल्ली। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली में। पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? रोहिणी, दिल्ली में। हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया? दिल्ली से। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली के प्रगति मैदान में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जिम बैंक कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। और पहला कहाँ पर है? जापान में। हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया? राकेश अस्थाना को। कौन सा राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? तो ये दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया? दिल्ली सरकार ने। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो किसका है? दिल्ली का है। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? अब ये यूरेका क्या है? तो ये एक बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता है। पहली बार कब हुआ था? 1998 में व्यावसायिक सफलताओं में सबसे नवीन विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये पहल शुरू किसने की है? तो ये की है आईआईटी बॉम्बे ने। यूरेका को एशिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल कंपटीशन का तमंगा भी मिल चुका है। इस साल यूरेका का कौन सा संस्करण है? तो 23वां संस्करण है। इस साल भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ इसमें कौन कौन शामिल होगा? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन इसमें शामिल होगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को दिल्ली के विज्ञान भवन से इसे शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में न्यूज में रही कुछ आईआईटी संस्थान के बारे में। किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? तो ये हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए एक ऐप विकसित किया। भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया? तो ये आईआईटी हैदराबाद ने किया। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद में। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के भूकंप और चेतावनी ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड के लिए किया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा। कौन सा आईआईटी संस्था इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया? आईआईटी रोपड़, कानपुर के वैज्ञानिक और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर इसे तैयार किया गया है। आपको याद रखना है ये विश्व का पहला है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो ये चुना गया है आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कटी कट्टू आम को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ के हैं? केरल के। अब डिस्कस कर लेते हैं GI टैग के बारे में। GI टैग अधिनियम किस वर्ष संबंधित है? तो ये है 1999 से संबंधित है। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI टैग लागू कब हुआ था? तो 2003 में। GI टैग पहली बार किसे दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को कब दिया गया था? 2004 में।
हाल ही में दिए गए कुछ जीआई टैग, सफेद प्याज का महाराष्ट्र को, जुड़ीमा राइस वाइन का असम को, हाथी मिर्च का मणिपुर को, सोजत मेहंदी का राजस्थान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वें बायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेंजामिन को। ये किस भाषा से संबंधित थे? तो मलयालम भाषा के ये कवि थे। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरके सिंह को। 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स किसने जीती? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डियो को, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनको किस लिए दिया गया? इनका एक उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बिटली पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नुकलू फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं बी गोपाल। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल या बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए 4th सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनोज बाजपेयी और धनुष को। ट्रेजेडी किंग के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं दिलीप कुमार को। हाल ही में इनका निधन हो गया। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दिनेश सहारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजना हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? तो कितने करोड़? 20 करोड़ डॉलर के। अब डिस्कस कर लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये तीन लोगों को दिया गया है। तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। डेविड कार्ट, जोशुआ अंग्रिस्ट, गोइदो एम्बेंस। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। किस लिए दिया गया है? श्रम बाजार और प्राकृतिक प्रयोगों में अंतर्दृष्टि के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम पटा पाउंटियन को। क्यों दिया गया? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया। 2021 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? उपन्यासकार अब्दुल राजक गुन्नाहा को। भौतिकी विज्ञान के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्यूकुरो मानवे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जिया पार्सी को दिया गया। किस लिए मिला है? भौतिकी के जटिल नियमों को सरल रूप से समझाना और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए इन्हें दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को। शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दामित्री मुरातोव को। किस लिए मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। शांति के नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? ओस्लो नॉर्वे में। बाकी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार है। अब कुछ क्वेश्चन है जो कल की क्लास में मैंने आपसे पूछे थे, एक बार उनके आंसर आप लोग देख लीजिए। किस राज्य ने हरा भरा ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना की शुरुआत की? तेलंगाना ने। भारत में किस संस्थान ने कोनिया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? IIT हैदराबाद ने। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह है। रिटर्न टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा नारायण। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है।
अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है? अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनारन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।